11 बॉल में 9 रन की दरकरार और एक बॉल मार दिया ऑन साइड में, गेंद जा रही है। देखते हैं एक रन होता है, दो रन होते हैं, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा राजस्थानी सूरमा को। पवार अपना पूरा एक्सपीरियंस लगाते हुए सही राम सही काम कर ही रहे हैं, भरत पवार अपना काम कर ही रहे हैं, तो राजस्थानी सूरमा दाल बाटी चूरमा क्या कहने हैं। शानदार शॉट और गेंद पहुंची है बॉडी लाइन के बाद, 4 रन। अभी राजस्थान को 6 रन की जरूरत है। हेड्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज। उमेश डिसाइड्स टू फील्ड फर्स्ट। एम्पायर स्कोर अपडेट। स्कोर अपडेट प्लीज। अरे रे, स्कोर अपडेट प्लीज। 4 रन्स रिक्वायर्ड इन 8 बॉल्स। भैया कोई प्ले नहीं जाएगा, नो बॉल होगा, मैं बोल रहा हूँ, आई मीन पेनाल्टी पड़ेगा। बॉन्डी लाइन से पीछे हो जाए, जो प्लेयर है बॉन्डी लाइन से पीछे हो जाए प्लीज। राजस्थानी प्लेयरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉन्डी लाइन से पीछे रहे। अब 7 बॉलों में 3 रन की जरूरत है। पीछे रहो पीछे। और रुक जा। और जाओ। और ये राजस्थान ने 2 बार की चैंपियन दिल्ली टीम को एलिमिनेट किया है। ST-6 श्रीमंत माधवराव सिंधिया मेमोरियल T10 नेशनल चैंपियनशिप से ये शानदार परफॉर्मेंस राजस्थान टीम का। 2 बार की चैंपियन दिल्ली को एलिमिनेट किया है राजस्थान ने। राजस्थान का हल्ला बोल कार्यक्रम जारी है और दिल्ली के जो भी मासूमे थे, जो भी उनके कार्यक्रम थे, उन पर सब पे पानी फेर दिया है। दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी चूरमा। शानदार मैच हुआ। दिल्ली के तरफ से प्रशांत सिंह ने, सौरभ मलिक उनके प्लेयर ने बहुत कोशिश की कहीं ना कहीं मैच को निकालने की। लेकिन दिल्ली की टीम की तारीफ की जाएगी, उन्होंने शानदार तरीके से लड़ा। ये तो क्रिकेट है, क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी क्रिकेट खेली दिल्ली ने, लेकिन 2 बार के चैंपियनों को हराकर राजस्थान ने वास्तव में सूरमाओं जैसा काम किया है। और शानदार तरीके से जोर से बोल।